सागर के सरकारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 26 साल के डॉक्टर शुभम उपाध्याय का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। बुधवार को भोपाल के एक निजी अस्पताल में शुभम का निधन हो गया। शुभम कोरोना मरीजों का इलाज करते करते संक्रमित हो गए थे। डॉक्टरों ने बताया था कि शुभम के फेफड़े करीब 95% खराब हो गए थे। चिरायू अस्पताल में उनकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार शुभम को इलाज के लिए चेन्नई भेजने की तैयारी में थी और उनके फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा रही थी। सरकार ने शुभम के इलाज के लिए 1 करोड़ तक का खर्च करने का फैसला ले लिया था, लेकिन शुभम की हालत तेजी से बिगड़ती चली गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। शुभम के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गहरा शोक भी व्यक्त किया था और वहीं सीएम शिवराज के ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर शुभम उपाध्याय को सादर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब शोकाकुल परिवार के साथ हैं। उनका परिवार अब हम सबका परिवार है। प्रदेश सरकार की ओर से उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम द्वारा 50 लाख रुपए की सहायता से परिवार की आर्थिक मदद होगी। एमपी तक भी शुभम जैसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।